राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अपने मन को संभाले रखा था अब तक, चंचल है दया अब मचले है पल पल। आ रहे राघव सवरिया, आ जाऊंगी मैं अवध नगरिया। मेरे चैनल पे आपको पारंपरिक गीत मिलेंगे। जिन चीज़ों से दुनिया थोड़ी छूटती जा रही है, उन चीज़ों को मैं आगे ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, और सर का सानिध्य मिला है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक लेवल पे उसे ऊपर ले जाने में कामयाब रहूँगी। इस चीज़ के लिए मैं सर को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। सर, आपका बहुत बड़ा आभार है मेरे ऊपर जो आप हमें इस राह पर अग्रसर कर रहे हैं। आजकल के जो सिंगर हैं वो सोच रहे हैं कि कम समय में बहुत बड़ा कलाकार बन जाए। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय भूमि म्यूजिक एकेडमी नाला सुपारा प्रगति नगर में है, और आज यहाँ पे जिस सबसे भूमि म्यूजिक की चर्चा जोरों पे चल रही है, तो आज हमारे साथ हैं गुरुजी हैं, तो साथ में स्टूडेंट भी हैं, और जानेंगे कि जिस सबसे चर्चा चल रही है आज स्टूडेंट से भी पूछेंगे कि गुरुजी कैसे सिखाते हैं, आपके सुजीत जी कैसे सिखाते हैं, और क्या आगे इनका सपना है, और किस हिसाब से सपनों की तरफ गौतम जी आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मिलेंगे, परिचय जानेंगे आपका और भूमि म्यूजिक में आने का कारण। सबसे पहले आपका परिचय। नमस्ते सभी को, मेरा नाम किरण तिवारी है। भूमि म्यूजिक एकेडमी में, यहाँ पे बहुत से सारी एकेडमी है, क्या कारण है कि यहीं पर आके आप सीख रहे हैं? एक्चुअली कारण ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडियो हमने देखे जहाँ पे, मतलब बहुत सारी क्लास जहाँ पे चलती हैं संगीत की, बहुत सारे उसके व्यूज़ देखे हमने। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल हर चीज़ का जो है वो सोशल मीडिया पे चर्चा रहता ही है, तो हमने बहुत सारी देखे। लेकिन सर का सिखाने का जो तरीका है, वो सरलता, वो सहज भाव, और उनकी सिखाई हुई चीज़ें जिस तरह से समझ में आती हैं, वो एक अलग अंदाज है। यही सब देख के हम इस सर के पास आए। कितने महीने सब सीख रहे हैं? मुझे लगभग 2 महीने हो गए सीखते हुए, और काफ़ी कुछ सुधारा है सर ने। बहुत कुछ लेके नहीं आई थी यहाँ पे, लेकिन सर के सानिध्य में रह के ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ हम बन जाएंगे आगे चल के। तो आपने जो सपना देखा आगे भविष्य का, उस पर जो धूल चढ़ी थी, धीरे धीरे सर हटा रहे हैं। धीरे धीरे सर हटा रहे हैं। बहुत बहुत बड़ी कृपा, मतलब सरस्वती माँ की कृपा और सर की बहुत बड़ी कृपा समझती हूँ मैं अपने ऊपर, कि जिन दबी हुई चीज़ों को काफ़ी दिनों के बाद मैं इन चीज़ों के लिए निकली। शौक़ बहुत दिनों से था, पर कहते हैं ना कि जब तक एक अच्छा गुरु नहीं मिलता तब तक हम मार्ग नहीं मिलता, तो इस गुरु हमें मिल गए हैं, अब मार्ग आगे प्रशस्त करेंगे। इन्हीं के मार्गदर्शन में हमें सब करना है, जिस तरह सर बताएंगे उसी तरह हम सब करते रहेंगे। हम चाहेंगे कि आप, सर ने कुछ आपको सिखाया है तो चाहेंगे कुछ गा के सुनाइए, ताकि हमें भी पता चले कि सर ने आपको कितना सिखाया, 2 महीने में आप कितना सीखे हैं। एक्चुअली सर ने बहुत मेहनत की है हमको सिखाने में, और इनका नाम है, इनको अब ये तो किसी परिचय के मोहताज है नहीं, अब मैं शायद छोटी पढ़ूँ इनके बखान में, लेकिन सर ने जो भी किया है मेरे लिए बहुत कुछ किया है। एक्चुअली मेरा यूट्यूब चैनल है पारंपरिक अवधि लोक गीत बाय किरण, आप लोग YouTube पे किरण तिवारी भी सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। तो उस पर एक नया, जो कि आप जानते ही हैं कि 22 तारीख की चर्चा जैसे जोरों पे है, तो जिस तरह लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस म्यूज़िक वाले, तो मैंने भी अपना, एक्चुअली मैं अपने गाने खुद लिखती हूँ, तो मैंने 2 भजन लिखे और सर को दिखाया, तो सर ने उसमें से एक चूज़ किया, बोला कि आप इस पर काम करिए, और सर ने बहुत मेहनत की है मेरे लिए उस पर जी। तो आज ही हो सकता है, आज या कल में वो YouTube चैनल पे मेरे रिलीज़ हो, तो उसके बोल कुछ यूँ हैं जो मैं आपको सुनाती हूँ।
अपने मन को संभाले रखा था अब तक, चंचल है दया अब मचले है पल पल, आ रहे राघव सवरिया, आ जाऊंगी मैं अवध नगरिया। हो सकता है जल्दी आजकल में आप लोगों को YouTube पे ये मेरा ऑडियो वीडियो सुनने मिले, तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा और साथ में हमारे राजभर एक्सप्रेस को भी खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा जो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार चैनल का नाम वापस बता दीजिए। पारंपरिक अवधि लोकगीत बाय किरण, मेरे चैनल पे आपको पारंपरिक गीत मिलेंगे। जिन चीज़ों से दुनिया थोड़ी छूटती जा रही है उन चीज़ों को मैं आगे ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, और सर का सानिध्य मिला है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक लेवल पे उसे ऊपर ले जाने में कामयाब रहूँगी। इस चीज़ के लिए मैं सर को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। सर आपका बहुत बड़ा आभार है मेरे ऊपर जो आप हमें इस राह पर अग्रसर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे स्टूडेंट हैं उनसे भी जानना चाहेंगे, गौतम जी का लास्ट में रिव्यू लेंगे कि आखिर किस हिसाब से आप सिखाते हैं। दूसरे स्टूडेंट हैं उनसे भी जानेंगे कि यहाँ आने का कारण क्या है और कैसे भूमि म्यूज़िक एकेडमी के बारे में आपको पता चला। सबसे पहले आपका परिचय। हेलो, नमस्कार, प्रणाम। पहले तो राजभर एक्सप्रेस देखने वाले सभी ऑडियंस को और आपको भी और हमारे सर को स्पेशली प्रणाम है। बताइए आगे कैसे पता चला है भूमि म्यूजिक एकेडमी के बारे में आपको। जी, तो मैं कब से क्लासेस सर्च कर रही थी, बहुत मतलब मैं बहुत टाइम से गाना भी कर रही हूँ और बहुत सारी क्लासेस सर्च कर रही थी, तो मुझे मैंने बहुत सारी क्लासेस देखा सुना, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे इनका एडवाइस दिया, इनके नाम मतलब बोले कि आप यहाँ पे जाइए, तो मैं सोची इतने सारे लोग एडवाइस करें तो कुछ तो खास बात होगा ही, क्योंकि सभी लोग जहाँ भी मैं बहुत सारे स्टूडियोज़ में गई हूँ और यहाँ वहाँ तो इनके नाम से ही मतलब बोल देते थे बहुत अच्छी जगह पर पहुँच गई हो, कुछ तो वहाँ से बनकर ही निकलोगी, तो मुझे लगा। फिर आई तो मैंने देखा भी कि इनका एकदम अलग तरीका है, बहुत अच्छा टाइम भी देते हैं हम लोगों को, हर जगह रहता है 1 घंटा, बट ये टाइम भी हमें ज़्यादा देते हैं और अच्छा सिखाते भी हैं, तो मुझे भी लगा कि सही लोग एडवाइस दे रहे थे मुझे। अच्छा, तो मैं यहाँ पैसा भी ज़्यादा लेते क्या? नहीं नहीं, इनका तो मुझे मतलब मुझे लगता है मार्केट से तो मतलब अच्छा ही है, लोगों को देख कर वो अपने हिसाब से करते हैं जिसका जितना बजट हो। क्या सपना है आपका? सपना यही है कि बस मार्केट में नाम बने और म्यूजिक लाइन में आगे बढ़े, सबका यही होता है। प्रेरणा कहाँ से मिली म्यूजिक लाइन में आने की? प्रेरणा तो मेरे घर से ही, मतलब मेरे पापा चाहते थे कि मैं गाना गाऊँ, तो बस 2-3 साल से कर रही हूँ अभी। चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कुछ गा के सुनाइए? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी पूरा हिंदुस्तान में राम भजन चल रहा है, तो वही 1-2 लाइन गाऊँगी बस। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। थैंक यू। आपका खुद का चैनल है? जी बिल्कुल, मेरे पापा के नाम से मेरा चैनल है DY म्यूजिक वर्ल्ड, तो उसी पे मेरे ज़्यादातर सॉन्ग्स आते रहते हैं, और तो उन्हें आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। पिताजी का सपना भी साकार कर रहे हैं, पिताजी के लिए गाना भी गा रहे हैं और पिताजी के नाम से म्यूजिक भी, इनका यूट्यूब चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आते हैं इस भूमि म्यूजिक एकेडमी के मालिक गौतम जी से एक बार वापस से धन्यवाद देंगे और बधाई भी देंगे कि जो यहाँ पे आ रहा है निराश नहीं हो रहा है, साथ ही साथ उन्हें सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं मेरे क्लास में जो बच्चे सीखते हैं और उनकी क्या मेंटालिटी है पहले मैं उसको पढ़ता हूँ। मतलब होता है ना कि आजकल के जो सिंगर हैं वो सोच रहे हैं कि कम समय में बहुत बड़ा कलाकार बन जाए। और एक वाकया मैं आपको बताऊं, मैं अभी लॉकडाउन के पहले, जब मैं लॉकडाउन के बाद मैं बनारस में अपना इंस्टीट्यूट चला रहा था, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट आया और मुझसे बोला कि आप ऐसा है गुरुवर कि मुझे 3 महीने में पवन सिंह बना दीजिए। मतलब तो उसने कहा कि आप कितना पैसा लेंगे,
अब हमको फीस बता दीजिए, मैं 3 महीने पेड कर दूंगा। मैंने कहा कि आप 3 महीने में कितना पेड करोगे? उसने कहा कि यही कोई 40-50 हज़ार आपको हम दे देते हैं, लेकिन हमको, हमारे पास टाइम नहीं है, हमको 3 महीने में पवन सिंह की तरह बना दीजिए। मैंने कहा कि तुम मुझसे 60 हज़ार ले लो और ये क्लास छोड़ दो। भाई देखिए क्या होता है ना कि लोगों को जो जैसा पूछ रहे हैं उनको उसकी भाषा में समझाएंगे तो शायद समझ जाए। खैर ये तो रही अलग बात विषय। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब कभी हम किसी स्कूल कॉलेज या मतलब किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हम जिस विषय के लिए हम वहाँ पर जा रहे हैं पहले उसके बेस को तो जाने, है ना। लोगों को यही नहीं समझ में आता कि हम चलें तुरंत सीखे। म्यूज़िक आसान नहीं है, आसान भी है और आसान नहीं भी है, लेकिन पहले हम किसी को जब सिखाते हैं तो पहले उसको बेसिक चीज़ों को सिखाते हैं। बेस जब हम जानेंगे तभी हम एडवांस के लेवल में चलेंगे। तो हम यहाँ के बच्चों, अपने क्लास के बच्चों को यही एडवाइस देते हैं कि पहले 2-3 महीने एकदम आप कुछ भी कोई गाना नहीं गाएगा, केवल पहले बेसिक रियाज करो। बेसिक में मतलब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कर्ण मेड़ मुर्की खटका, ये सांगीतिक एलिमेंट्स हैं जो गले को तैयार करते हैं और गाने को मधुर बनाते हैं। इनके साथ ही साथ हम सारे गामा पा ये सब जो है अलंकार, इसका भी रियाज करवाते हैं, आकार में भी, और वॉइस को मधुर कैसे बनाएं, रेंज कैसे बढ़ाएं, डेप्थ में कैसे ले जाएं, इन सब सारी चीज़ों को मैं कम से कम 3-4 महीने बच्चों को रियाज करवाता हूं। और उसके बाद ही मैं तो फिर गायन शुरू करता हूं। शायद यही वजह है कि जो आज लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। मैं अपनी रूपरेखा अपना सब बना के चलता हूं कि लोग मुझसे थोड़ा इंटरेस्ट में जगेगा तभी ना लोग मेरे पास आएंगे। तो ऐसा है, प्लानिंग के साथ लोग आपसे जुड़ भी रहे हैं। तो श्याम मौर्य जी हैं जो यहाँ पे म्यूज़िक सीखते हैं, आइए जानते हैं इनकी क्या राय है, इनके गुरुजी मतलब सुजीत गौतम जी के बारे में, भूमि म्यूज़िक एकेडमी के बारे में। सबसे पहले आपका परिचय। जी मेरा नाम श्याम मौर्य है और सबसे पहले मैं राजभर एक्सप्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जी जैसे कि गुरुजी के बारे में आपने पूछा, तो गुरुजी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। इनका जो भी सिखाने का तरीका है बहुत ही अलग है। जैसे कि नाला सपाड़ा में बहुत सी क्लास है, बहुत से म्यूजिक एकेडमी है, लेकिन इनके जैसा मेरे ख्याल से कोई मतलब सिखाता नहीं है। मैं बहुत क्लास में गया हूँ लेकिन इनके जैसा कोई मतलब सिखाता नहीं है। जो यहाँ पे सीख रहे हैं सबकी राय अच्छी है, मतलब जिस हिसाब से भूमि म्यूजिक एकेडमी की चर्चा नाला सपाड़ा प्रगति नगर में है, जो यहाँ आ रहा है सीखने के लिए जिस हिसाब से सिखाते हैं लोगों को समझ में भी बहुत जल्दी आता है। और कहीं ना कहीं जो यहाँ से जुड़ रहे हैं तो एक जो उनका जो सपना जो एम लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से एक उम्मीद जगती है कि हम ज़रूर उस मकसद में कामयाब होंगे। जहाँ हमें पहुँचना है, सर के सानिध्य में रहेंगे तो हम ज़रूर पहुँचेंगे। तो ऑडियंस जो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं उनसे भी निवेदन है, अगर नाला सोपारा में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो एक बार ज़रूर भूमि म्यूज़िक एकेडमी में विज़िट करें। अगर आप म्यूज़िक लवर हैं, आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर क्लास है, तो एक बार ज़रूर संपर्क करें। आपको डिस्प्ले में नंबर दिया गया भूमि म्यूज़िक एकेडमी का, आप संपर्क करें, गौतम जी तैयार है आपको आपके सपनों तक पहुँचाने के लिए। मिलते किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।